Now, remember that when we are dealing with passive aggressive colleagues, there are certain things that we need to understand. That the aggression can lead towards unproductive outcomes. And those unproductive outcomes are sometimes not desired by yourself and even by the organization. Therefore, when we are dealing with a passive aggressive colleague, remember the first thing is that every person is different from the other person. <laughs>

तो उस परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए हर किसी की कोशिश ये होगी कि वो दूसरे को सुपरसीड करे वी टू अंडरस्टैंडल जेलिस अंडरस्टैंड करते हुए हमें उनके साथ इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से डील वो करना होगा द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज के डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे हर किसी का रिएक्शन हर किसी का बर्ताव हर किसी का रद्द अमल वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स एस्पेक्ट जब आप डील कर रहे हो पैसिव कोलीग से जो कि बाहर आपके साथ नॉर्मल है लेकिन दरअसल एग्रेशन उसके अंदर एक वॉलो की तरह वो मौजूद है तो so उस सूरत में याद रखिएगा कि इट इज अ ट्रिकी गेम समाइम्स आपको इन ट्रिक्स को समझना पड़ेगा कि लोगों के साथ हमें डील वो कैसे करना है बिकॉज जब आप उनके साथ डील करोगे आप उनके साथ मामलात करोगे तभी आप ये जान पाओगे कि वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पे अवत वो कोलीग्स आपके साथ मिसबिहेव वो कर सकते हैं या आपके साथ एग्रेसिव वो हो सकते हैं सो इन दैट कॉन्टेक्सन वेन वी आर डीलिंग विद पैसिव कोलीग्स रिमेंबर वन थिंग बाजात सेंसिटिव इशूज जो हैं उसके ऊपर लोगों का रद्द अमल वो ज्यादा हो जाता है अब उन सेंसिटिव को हमें बड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हमें उसमें बफर क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें अपने मैसेज को इस तरीके से कम्युनिकेट करना होगा कि लोगों का एग्रेशन वो कॉल ना हो पर्टिकुलरली वेन देर इज सेंसिटिव थिंग टू बी डिस्कस्ड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं एंड वी आर डीलिंग एनकाउंटर विद जिसका मतलब ये होगा कि बावजूद उस शख्स को बताने के समझाने के मनाने के बावजूद उसके साथ बेहतर डील करने के द पर्सन इज कैरिंग ऑन विद द एग्रेशन सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमें भी परसिस्टेंट वो रहना पड़ेगा अपने टेम्परामेंट में अपने मूड में अपने कंडक्ट में अनदर अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैसिव कोलीग्स बेसिकली हमारे लिए एक मोटिवेशन का सबब भी हो सकते हैं वह इस तरीके से कि वो हमारे पेशेंस को शेप अप करते हैं वो हमारे बर्ताव को शेप अप करते हैं ताकि जब हम उनसे डील करें तो ऐसा तरीके से डील वो कर सकें लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड इज के लीडर नीड्स टू हैव द आयरन नर्व्स और उन आयरन नर्व्स के हुए बगैर वो उन पैसिव एग्रेसिव लोगों से डील वो नहीं कर सकेगा हमें यह भी देखना है कि हम चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लें हमें यह भी सोचना है कि हर शख्स के कोई ना कोई एहसास महसूस हो सकते हैं हर शख्स के ख्याल मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसके अंदर हो सकता है तो याद रखिएगा कि का होना वो बुरी चीज नहीं है। मिसमैनेजमेंट ऑफ बेसिकली एक बुरी चीज है Therefore, my dear students, याद रखिएगा कि जब हम पैसिव अग्रेसिव कोलिग से ताल्लुक में हमें इस बात को समझना है कि उसके ख्याल एहसासात हैं उसके भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके अंदर भी एग्रेशन है और हमें बड़ा परसिस्टेंट रहना पड़ेगा बड़ा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा सो so दैट हम किसी भी लेवल के ऊपर अपने मकासद को वो पसे पुष्ट मत डालें और इस बात को अंडरस्टैंड रखें कि हमें पैसिग्रेसिव के साथ भी बेहतर तौर डील वो करना है थैंक यू